ओके आर गुड, और अच्छे से रहिए, सहायता करते रहिए, सहायता भी जरूरी है। बच्चों पिछले वीडियो में मैं कई दिनों से आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बता रही थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वो मतलब उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह से मैंने उसका इसके लिए शब्दों का प्रयोग किया है कि तुलसीदास उसके पीछे पीछे चला गया, रत्नावली के पीछे पीछे चला गया, इस तरह से मैंने शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए किया क्योंकि तब तक तुलसीदास एक सामान्य मनुष्य था। जब उसने रामचरितमानस की रचना कर ली तब जाकर के वो विशिष्ट व्यक्ति बने और तभी से उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी, एक नई सोच दी। जिनके मन में अपने ईश्वर के प्रति आस्था टूटने लगी थी, भगवान के प्रति आस्था क्षीण होने लगी थी, उन लोगों के मन में राम कथा के माध्यम से एक नई भावना, एक नई साहस ने जन्म लिया। उन्हें लगा कि जब प्रभु राम को इतने कष्ट सहने पड़े, हम लोग तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी कष्ट तो आ ही सकता है, तो राम के जीवन को आधार बना करके लोगों ने अपने जीवन को, अपने संघर्ष को एक विराम नहीं दिया और संघर्षरत रहे और अपने धर्म के लिए वो लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे। और रामचरितमानस में राम की कथा है। राम वास्तव में क्या है? राम किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। राम तो स्वयं एक अपने आप में संपूर्ण सृष्टि को समेटे हुए है। कौन किस धर्म का व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र राम की तरह आज्ञाकारी हो? कौन भाई नहीं चाहेगा कि उसे राम की तरह का भाई मिले? किसी इच्छा नहीं होगी किसकी राम की तरह का राजा मिले। तो राम जो है वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, राम हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने संस्कृति से राम को अलग कर ही नहीं सकते कि हर चीज़ में हमें राम की आवश्यकता होती है। तो इसे किसी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राम भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग। तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की रचना की, पर आपके इस पुस्तक में जो दिया हुआ है सिर्फ धनुष भंग के बाद जो विश्वामित्र क्रोध प्रकट करते हुए सीता स्वयंवर में उपस्थित होते हैं उसमें लक्ष्मण, और परशुराम के बीच में जो तीखी नोकझोंक होती है उसे क्या वर्णन किया है। तो जैसे कि तुलसीदास ने राम की कथा कही, अब राम की कथा तो कोई सीमित कथा तो है नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे कि सुनहि बहुविधि सब संता। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो जब सीता का स्वयंवर हुआ, जैसा कि आप लोगों भी रामायण सीरियल में भी आप लोगों ने देखा है कि सीता का स्वयंवर हुआ, धनुष भंग हुआ, धनुष शिव जी का धनुष था, शिव जी ने उस धनुष को परशुराम को दिया था उसकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप। तो उस शिव धनुष को परशुराम ने राजा जनक को दे दिया था, राजा जनक ने उसे पूजा स्थान में रख दिया था। पूजा स्थान में वो जो धनुष रखा रहता था तो वो बहुत अच्छे से पूजा उसकी होती थी। एक दिन राजा जनक ने देखा कि सीता पूजा घर की सफाई करी और अपने लेफ्ट हैंड से अपने बाएं हाथ से जो है धनुष को उठा करके वो पोछा लगा रही। राजा जनक अचंभित रह गया कि इस धनुष को तो कोई हिला भी नहीं सकता है और सीता जो इसको बाएं हाथ से उठा ले रही, तो इसका अर्थ ये है कि इसका वर भी इसी के योग्य होना चाहिए। तब इसलिए उसने राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा रखी, सीता स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी। अब आर्यावर्त के सारे राजा एकत्रित हुए, सभी ने अपने अपने तरह से कोशिश की लेकिन किसी से भी वो धनुष प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, किसी से वो हिला भी नहीं। जब राम की बारी आई, राम ने विश्वामित्र को प्रणाम करके और धनुष को उठाया के साथ वो टूट गया। तो क्यों टूट गया बच्चों? देखो धनुष शिव जी का था, सारे राजा अपने ताकत शक्ति के अहंकार में डूबे हुए किए तो छोटा सा धनुष हम उठा देंगे, इसलिए राम ने ऐसा नहीं किया। धनुष भंग करने के लिए उठाने के पहले, जाने के पहले उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और धनुष के पास जाकर के भी शिव जी के धनुष को प्रणाम किया। ये आदर देना होता है। जब आप
किसी को बहुत प्यार करोगे तो वो अपने आप किसी को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को आप बहुत प्यार करते हो वो अपने आप आपके बंधन में आ जाएगा, उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य। जब श्री राम ने किया और उसे उठाया तो धनुष टूट गया, और धनुष के टूटने के साथ ही एक तेज गर्जना होती है, चारों दिशाएं गुंजायमान हो जाती है, बिजली चमकने लगती है, चारों तरफ का वातावरण अंधकार पूर्ण हो जाता है, और विश्व और परशुराम उस समय देशमुख पर्वत पर विश्राम कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। शिव धनुष के टूटने की आवाज़ जब उनके कानों में गूंजी तो उन्होंने अपने तपोबल से अनुमान लगा लिया कि उसका धनुष टूट गया है, और मन की गति से चलते हुए वो राजा जनक के दरबार में पहुँचे और क्रोध करके पुकारा, चिल्ला करके बोले वो कौन दुष्ट है जिसने मेरे प्यारे शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। बच्चों आगे की कहानी में अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आपका होमवर्क है लर्न रीड चैप्टर